simply say some program in Ladakh. So I thought from here, now from here tomorrow, supposed to say go to Ladakh, but I don't know. Rain, weather, not cooperate. But China is objecting your visit, na? Oh. Objecting your visit. China is objecting your visit. Jawarum se Ladakh phe vidi kya na mogo chi gore si kande kungju khari yunas. That's the usual. The Chinese, not Chinese people. Some Chinese hardliner, they consider me splitist and reactionary. So always criticize me. But now more and more Chinese now realize Dalai Lama not seeking independence. But within China, within People's Republic of China, meaningful autonomy and Tibetan Buddhist culture preserved. Now this respect, now more and more Chinese now really showing interest about Tibetan Buddhism. They realize, some of the Chinese scholars, they realize Tibetan Buddhism is truly a Nalanda tradition and a very scientific religion. So now things are changing. Wherever I go, firstly, all 7 billion human beings are just, I'll say, even physical level, we all brothers, sisters. There is no point to fight. Usually you see a fight caused by my nation, my country, my ideology. That's too narrow-minded. If you look as a humanity, all 7 billion are one, truly brothers, sisters. So we have to live together, whether we like it or not. Therefore, a little problem is something like family problem, can solve through talk. But sir, in Kashmir, दलाई लामा का जिक्र कर रहे तो इस वक्त उनको सुन रहे थे और उनका क्या कुछ कहना था। और एक बार फिर से वो जम्मू दौरे पर और जम्मू के बाद लद्दाख के दौरे पर जाएंगे और इसके साथ साथ उनका एक बार फिर से निशाना साधा गया है। उन्होंने ये कहा है कि चाइना लगातार उनका विरोध करता है और उसके साथ साथ लद्दाख जाने से चाइना को तकलीफ जरूर होगी। और इसके साथ साथ अब आने वाला समय होगा कि लद्दाख का जो उनका दौरा होगा वो एक महत्वपूर्ण दौरा होगा। अब वो देखने वाला समय होगा कि उस पर क्या कुछ रहेगा, ये देखने वाला समय होगा। ये बड़ी जानकारी जो थी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। तब तक के लिए आप बने रहे JK247 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट जम्मू से। धन्यवाद। देखिए, जो हमारा जो ये ट्रस्ट है स्प्रिंग बर्ड्स एजुकेशनल ट्रस्ट ओमपर है, इसका मोटिव यही है कि जो यहाँ की यूथ है ये ड्रग्स की तरफ ना जाए, स्पोर्ट्स की तरफ आए। तो ये हमारा ये मोटिव है। इसमें हम इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं शेख आलम स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो यहाँ पे शेखपुरा में एक ऑर्गेनाइजेशन है। जब जब ये टूर्नामेंट्स यहाँ पे करते हैं तो हम इनको स्पॉन्सर करते हैं, इसीलिए करते हैं ताकि यूथ, जो हमारी ये यूथ है, जो नई यूथ आ रही है अभी, तो ये ड्रग्स की तरफ ना जाए, स्पोर्ट्स की तरफ आए, ताकि ये उन ड्रग्स से वो बचे। बिल्कुल, जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो वो प्रॉपर वे नहीं है हमारे पास। जैसा कि आप देखेंगे हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है, लड़कों को वैसे मौके नहीं मिलते हैं। अगर आप किसी भी फील्ड में देखोगे तो रिपीट वही लड़के बार बार खेल रहे हैं, नेशनल्स या कोई भी और
टूर्नामेंट्स हो या कोई भी स्पोर्ट हो। मेन रीज़न मुझे लगता है कि जो नए लड़के हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है उन पर फोकस नहीं रहता है वैसा, जैसा आप बाकी स्टेट्स में देखोगे उन पे जैसे नए लड़के आते हैं तो उन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है जो नए लड़के होते हैं। तो कश्मीर में मेरे ख्याल से फोकस बहुत ज़्यादा कम मिलता है लड़कों पे और अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है और फैसिलिटीज़ सबसे बड़ी बात है यहाँ पे बिल्कुल हमें वैसी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है किसी भी फील्ड में। तो ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा रीज़न है हमारे फेलियर के लिए जो आप किसी भी फील्ड में देखोगे। तो मेरा यही मैसेज रहेगा सबको कि मेरे ख्याल से ये स्पोर्ट्स ही एक वे है उन सबको बचाने का, और जितना हम कोशिश करेंगे ऐसे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज़ करने की तो उतना ज़्यादा मुझे लगता है मेरे ख्याल से लड़के इन्वॉल्व हो जाएंगे स्पोर्ट्स के साथ और उतना ही दूर रहेंगे ड्रग्स के साथ, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा इशू बन रहा है। हमारे लिए अच्छी बात है आज फाइनल जीता तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर रहा यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा खुश है हम। बहुत ज़्यादा प्रिपरेशंस थी इस फाइनल के लिए और ऑर्गेनाइजिंग बॉडी को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि हमारे लिए इतना अच्छा इवेंट यहाँ पे बनाया और बहुत ज़्यादा खुश हुए हम। बिल्कुल, ये तो मेरे ख्याल से हमारे डिस्ट्रिक्ट में यही एक वाहिद ग्राउंड है शेखपुरा क्रिकेट ग्राउंड, और यहाँ पे हमें ये प्रॉपर क्रिकेट खिलाते हैं तो इन टूर्नामेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है यहाँ पे शेखपुरा में, तो यहाँ पे खेल के हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ ऑर्गेनाइजिंग बॉडी को जिन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया और काफ़ी लड़के यहाँ पे इन्वॉल्व हुए और गलत कामों से दूर रहे। जहाँ पर गवर्नमेंट ड्रग से दूर रहने के लिए एक जवान एक यूथ को ड्रग से दूर रहने के लिए कई इकदाम कर रहे हैं, वहीं पर प्राइवेट सतह पर यहाँ शेखपुरा बड़गाम क्रिकेट ग्राउंड में एक टूर्नामेंट का इनाकाद किया गया था और इसमें 24 टीमें हिस्सा ले रही थी और आज जो कि फाइनल था और हुमामा टीम ने उसमें जो है बढ़ोतरी हासिल की। और यूथ्स का यही कहना था कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो अपने महाज पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पर स्पोर्ट्स को करे तो काफ़ी गेम्स जो है मुतारिफ हो सकती हैं, और आजकल का जो ये यूथ है किसी न किसी गेम के साथ वाबस्ता है। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से जहूर हुसैन। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ नेशनल टेलीविजन, मैं हूं वसीम गतू। जिस तरह से आपको बताऊं कि आज PHE डेलीवेजर्स को 22 दिन हो चुके हैं अपनी डिमांड्स को लेकर, जिस तरह से वो सड़कों पे हैं, आज भी उन्होंने डोडा के अंदर जो है एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया और ये भी बताया कि हमारी जब तक डिमांड्स पूरी नहीं की जाएंगी हम इसी तरह से जो है प्रोटेस्ट करते हुए नजर आएंगे। और आपको बड़ी बात ये बताना चाहूँगा, जम्मू से कुछ लोग जो है इनके पास आए हैं जो PHE एम्प्लॉयज़ नेटवर्क फ्रंट के मेंबर हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सब थोड़ा सा अपना नाम बता दीजिए और ये भी बताइए कि आपका जो फ्रंट में कौन सा ओहदा है। वसीम जी आपका शुक्रिया और गुलिस्तान चैनल का। मैं राजेंद्र सिंह ताज, मेंबर PHE एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस। थोड़ा सा बताएं क्यों जम्मू से डोडा आना पड़ा। देखिए 22 जून रात 8 बजे से जितने हमारे डिवीजन जम्मू प्रोविंस के वहाँ पे प्रोटेस्ट प्रोग्राम और काम जो हड़ताल चल रही है, और आने वाले दिनों में हम जम्मू में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम देने जा रहे हैं, चाहे वो 5 दिन का या 4 दिन का 6 दिन का होगा। दिन रात हम किसी चौक किसी बिल्डिंग के सामने किसी ब्रिज पर बैठ सकते हैं। वो एक अवेयरनेस प्रोग्राम था हमारी डोडा की, जो PHE एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड टीम है, इन्होंने इनकी इन्विटेशन में हम यहाँ पे आए और अपने साथियों का हौसला अफजाई करने आए और जो साथी अभी तक सोए हुए हैं उन सबको जगाने आए कि सरकार आपकी बात तभी सुनेगी जब 22 का 22,000 जम्मू की सड़कों पर होगा। क्या लगता है आपको जिस तरह का आप डिसीजन लेने जा रहे हैं, जिस तरह से बता रहे हैं कि हम ब्रिज पर बैठेंगे और कुछ करेंगे, क्या लगता है इससे हल होगा आपका मसला? देखिए सरकार को जगाने की, जो सरकार सत्ता के नशे में चूर हो गई है उसको गरीब आवाम की डेली वेजर की सुनाई नहीं देती है। हम लोग पिछले 25 साल से सफ़र कर रहे हैं, हमने बहुत सी सरकारें देखी, चाहे वो LG एडमिनिस्ट्रेशन है चाहे इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, सभी ने हमारा शोषण किया, लेकिन हमारे मसले को हल करने के लिए एक कदम भी नहीं बढ़ाया। तो आज की डेट की जो लड़ाई हमारी है ये रेगुलेशन प्रोसेस की लड़ाई है, रेगुलेशन पॉलिसी मिलेगी तो हम लोग पीछे जाएंगे, अदरवाइज ये स्ट्राइक दिन ब दिन और टाइट होगी। जितना भी पानी की क्राइसिस होगी स्टेट जम्मू प्रोविंस उसका सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी LG एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। क्यों कि हम पिछले 5 महीने से लगातार 15 दिन के बाद प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सरकार ये ना कहे कि इन लोगों ने एकदम से प्रोटेस्ट करी। आज किसी भी ऑफिसर से हमारी जब मुलाकात होती है सरकार नेगोशिएशन के लिए भेजती है तो वो हमसे टाइम मांगते हैं, तो हमारे पास देने के लिए टाइम नहीं है। उसकी एक उसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारे बहुत से साथी हर महीने की लास्ट 30 को 60 साल होके रिटायर होके चल जाते, 30 साल किसी डिपार्टमेंट में फ्री में काम करना बगैर किसी
एश्योरेंस के बगैर किसी रेगुलेशन पॉलिसी के एक ह्यूमन राइट वायलेशन है, ना उनका पेंडिंग वेजेस, ना उनका बाकी सहूलतें। तो हम लोग जो जिस लड़ाई के लिए निकले, ये अपने बच्चों के हक और सच की लड़ाई है, इसको हम पॉलिसी को लेकर रहेंगे। अगर सरकार ये पॉलिसी नहीं देती तो ये बदवा मजदूर अब नहीं चलेगी। सरकार को या तो रेगुलाइज करना पड़ेगा या फिर सबके सब 22,000 लोगों को टर्मिनेट करना पड़ेगा। ईद से पहले कुछ दिनों पहले मैंने पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर से डोडा के अंदर बातचीत की थी। कुछ लोगों ने रोया भी था और ये भी बताया था कि बड़ा त्यौहार आ रहा है, कोई भी पैसा हमारे पास नहीं है, हमारे जो पेंडिंग वेजेस हैं वो भी नहीं मिल रही है। तो सरकार को क्या करना चाहिए, किस तरह का कदम उठाना चाहिए? देखिए, सरकार से हम पिछले 25 साल से ये कह रहे हैं, दिवाली हो, ईद हो, गुरपुर्ब हो, कोई भी बड़ा त्यौहार हो जम्मू कश्मीर का, सरकार के लोग सीरियस नहीं है। हमारा शोषण दिन रात किया जाता है, बदवा मजदूर रखा जाता है, तो ये लोग हमारा भला नहीं चाहते। ये कहते हैं 9,000 आपकी वेजेस कर दी, बहुत बड़ा एहसान कर दिया। तो हम ये लोगों को कहना चाहते हैं, आप 9,000 में गुजारा करके बताओ तो आपको पता लगेगा। मार्च में हमारे बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया जाता है, हमारी वेजेस नहीं टाइम से आती, ना उनकी किताबें ना स्कूल। हमारे बच्चे आज की डेट में बहुत से साथियों बच्चे अनपढ़ रह गए, बहुत से साथी इस पैसे की परेशानी के कारण डिप्रेशन होकर सुसाइड कर गए। तो मैं अपने उन सभी साथियों को ये कहना चाहता हूँ, हिम्मत मत हारिए। पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट निकला है और पॉलिसी लेके आएगा, ऐसे हम अभी आने वाले नहीं है। हमारा 3,500 साथी जो लगता है आपको रुकावट किस जगह है? देखिए, रुकावट हमें खुद हैरान है कि 11 नवंबर 2020 को एलजी साहब से हमारी 1.5-2 घंटे मुलाकात हुई, जिसमें मेरे साथी रवि हंस जी और बाकी टीम थी हमारी। हमने उनको ब्रीफ से डिटेल में बताया कि हम लोग 60,909 कैरी लेवर हैं, जिसको कैबिनेट ने 2014 में अप्रूवल दी हुई है। तो एलजी साहब को ये बताया गया था कि ये 1.5 लाख हैं। तो फिर जब हमने क्लियर किया, उन्होंने 2-3 कमिश्नरों को उसी टाइम बैठ के फ़ोन किया, उन्होंने कहा नहीं सर, हम लोगों ने आपको सभी लोग क्लब करके बताए, चाहे उसमें अलग अलग कैटेगरी थी, SPOs थे, आशा वर्कर थी, आंगनबाड़ी थी, या कुछ साल के लिए कहीं लगते हैं। तो हमने कहा सर, हम परमानेंट नेचर का जॉब करते हैं, हम एसेंशियल सर्विस है, हमारा उनसे कैटेगरी से अलग, हम अगेंस्ट पोस्ट काम कर रहे हैं। तो एलजी साहब को ये बात अच्छी लगी, उन्होंने कहा डीडीसी इलेक्शन है, जैसे डीडीसी इलेक्शन खत्म होती उसके बाद आपकी रेगुलर पॉलिसी काम स्टार्ट हो जाएगा। कोविड में बड़ा सारा आश्वासन आपको दिया था और आपके जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी मेंबर आपके हैं, उनने फ्रंट लाइन पे काम किया था और उस टाइम बड़े बड़े सपने भी दिखाए गए थे, इस हवाले से क्या बताना चाहोगे? वसीम साहब, मैं कोविड के टाइम खुद शिकार हूँ, मैं पॉजिटिव हुआ, मेरे साथ मेरी सारे परिवार फैमिली पॉजिटिव हुई, मेरे पिताजी पूरे हो गए, वो लास्ट कोई पूरा नहीं कर सकता। मेरा दूसरा साथी था होशियार सिंह, वो भी पॉजिटिव उस टाइम, उसके पिताजी, उसकी सारी फैमिली, ये साथी मेरे रवि हंसी खड़े हैं, ये 3-3.5 में हॉस्पिटल में 1.5-2 लाख पे कर्जा हो गया। हम लोग गरीब लोग हैं, लेकिन फिर भी हमने कोविड में दिन रात काम किया, रेड जोन में भी काम किया। तो इस उम्मीद से, उस शोषण को, उस मौत के डर को नहीं देखा कि कल हम रेगुलाइज हो जाएंगे, चलो हमारे बच्चे तो ठीक रहेंगे, अगर हमें कुछ हो गया। तो सरकार ने उस टाइम बड़े बड़े सर्टिफिकेट दिए, कोरोना वैरी के सर्टिफिकेट दिए, और बाकी डिपार्टमेंट जो एसेंशियल सर्विस हैं उनको 50 लाख का कोविड इंश्योरेंस कवर, हमें कुछ नहीं। तो हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय, भेदभाव हमेशा होता रहा, अब ये भेदभाव हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बड़ा ही अहम सवाल है, जिस तरह से हम देख रहे हैं आपकी और सरकार की लड़ाई है, आम इंसान जो है वो सफ़र कर रहा है, आम इंसान जो है वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा परेशान है, जिस तरह से काम छोड़ हड़ताल पर आपके सारे लोग हैं। वसीम साहब, हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं, हम अपना हक मांगने निकले, LG साहब से लेके नीचे DC तक या SSB तक या बाकी ऑफिसर, हमारे चीफ इंजीनियर तक या हमारे JEE साहबान तक, हर एक कहता आप मांग जायज है, लेकिन देने के टाइम भी ना जाने क्यों ये मना कर देते हैं, ना ये लिंगरण किया जाता है। अगर PDD को आप दे रहे हो, PDD वाले भी सेम है एसेंशियल सर्विस, हम भी एसेंशियल सर्विस है, दो आंखें हैं सरकार की जो जरूरी सर्विस है एसेंशियल सर्विस, एक PDD है, एक PHE है। हम पानी देने वाले हैं, हम लोगों को सुबह 4 बजे से रात को 12 बजे तक पानी सप्लाई करते हैं, लोग सोए होते हैं, अपने में कामल लोग, हम लोग उनको सेवा करते हैं, पानी निकाल के उनके घर तक पहुँचाते हैं, इसीलिए पहुँचाते हैं कि हमारा जीवन नर्क बन जाए। जल जीवन है तो हमारा जीवन तो नर्क बन गया, अब ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब तक पॉलिसी ना हो तब तक ये सरकार के जितने भी ये इसको कहें इमोशनल ब्लैकमेल, लोग सफ़र कर रहे हैं, हम पिछले 25 साल सफ़र नहीं कर रहे, वो लोग इन लोगों को पूछे। जब भी कोई इलेक्शन आती है, सभी पॉलिटिकल पार्टियां डेली वेज का मुद्दा बड़े बड़े लफ्जों में मैनिफेस्टो में रखते हैं, लेकिन जैसे वो सत्ता में आते हैं वो भूल जाते हैं, वो फिर किंतु परंतु दिस दैट निकालते हैं। थोड़ा सा अहम सवाल है आपको, लास्ट सवाल आपको पूछूंगा, जिस तरह से आपने बताया कि पॉलिटिकल, क्या कोई पॉलिटिकल लीडर आपके हक में उतरा, आपके साथ बैठा, ये बताया कि आपकी बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है? कौन सा पॉलिटिकल लीडर, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हमारे हक में नहीं है?
सभी लोग हैं, लेकिन जब ये वो सत्ता में आते हैं तो देते कुछ नहीं है। मैं आपको 2014 के पहले का डेट में हम देखेंगे, फिर जुमलेबाजी की जाती है। मैं 2014 से पहले बताऊं, बीजेपी के तमाम टॉप लीडरशिप जो हमारे प्रोटेस्ट प्रोग्राम में आते थे, या मोदी जी की एक रैली हुई थी ललकार रैली जम्मू स्टेडियम में, जब मोदी जी अपना बीजेपी के इलेक्शन कंपेन कमेटी के चेयरमैन थे, और हमारे जो जम्मू पुंछ से एमपी हैं जुगो किशोर शर्मा जी, उन्होंने स्टेज से कहा था कि जम्मू कश्मीर में अगर धारा 370 के बाद कोई बड़ा मसला है तो वो 60,000 का ही लेवर है। तो जैसे हमारी सरकार आएगी हम कोशिश करेंगे इसको पहली कैबिनेट में हल करें। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब वहाँ बैठे थे, बीजेपी की टॉप लीडरशिप वहाँ बैठी थी, और डोडा जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ के जो एमपी हैं जो एमओएस सेंटर में वो दूसरी बार बने, वो भी स्टेज पर बैठे थे। तो अगर इतना होने के बावजूद अगर ये आइए लिंगरान करें तो वो लिंगरान नहीं चलेगा। हम अब झूठे वादों पे नहीं आने वाले। देवेंद्र सिंह राणा जी ने बड़ा क्लियर और स्पष्ट कहा, एनसी में रहे, पावर कॉरिडोर का सब जानकारी उनको है, वो उमर साहब के टाइम उनके पॉलिटिकल एडवाइजर थे। उन्होंने कहा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार में इतनी विल पावर नहीं है कि डेली वेज का मुद्दा हल होगा तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में होगा, और हम लोग इसी कोशिश में कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेस किया जाए, अपनी डिमांड पूरी करवाएंगे रेगुलेशन की, क्योंकि अगर इलेक्शन अनाउंस होगी इन लोगों के पास एक बहाना आ जाएगा तो आप बहानेबाजी नहीं चलेगी। आपका नाम थोड़ा सा जानना चाहूंगा और क्या बताना चाहूंगा, जिस तरह से आप जम्मू से डोडा आए हैं और यहाँ पे आपने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट निकाला, क्या बताना चाहोगे, कितनी दिक्कत जो आपने आपके जितने भी मेंबर हैं पीएचई एम्प्लॉय जनरेटिव फ्रंट के, कितनी दिक्कत आज की डेट में आ रही है? देखिए सबसे पहले तो गुलिस्तान न्यूज़ का धन्यवाद करते हैं। तो आज हमें डोडा में जम्मू से यहाँ आना पड़ा और आप देख सकते हैं कितनी बारिश है, तो इस मौसम में अगर हमें यहाँ आना पड़ा तो आप समझ सकते हैं कि हमारी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, क्योंकि आज हमारी जो 22 जून से लगातार काम छोड़ हड़ताल चल रही है। तो आने वाले दिनों में हम सोच रहे हैं कि जैसे प्रशासन अभी तक हमारी मांगों के ऊपर सीरियस नहीं है, जो हमारी मेन तीन डिमांडें हैं, रेगुलाइजेशन पॉलिसी, मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी, और हमारा पेंडिंग वेजेस जो 70 महीने का, इन तीन डिमांडों को जिनको ऑलरेडी हर एक चेयर ने माना है कि ये आपकी तीन डिमांडें जायज है, जैसे एलजी मनोज सिन्हा जो इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी चेयर हैं, इन्होंने खुद एग्री किया कि आपकी तीनों डिमांडें जो हैं जायज हैं। तो उन तीन मांगों के ऊपर आज भी लग रहा है कि प्रशासन सीरियस नहीं है, इसलिए हमें हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाना पड़ रहा है, क्योंकि ये एक हम तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जम्मू के अंदर तमाम डिस्ट्रिक्टों के लोग जो आज पूरे प्रोविंस के अंदर हर डिवीजन लेवल पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन सभी लोगों को जम्मू बुलाया जाए और डिस्ट्रिक्टों के अंदर जाके एक तो उनका हम हौसला अफजाई करें ताकि उन लोगों को भी लगे कि जम्मू प्रोविंस के पूरे लोग हमारे साथ हैं। तो आने वाले दिनों में हम इन लोगों को जम्मू बुलाने के लिए और उनको अवेयर करने के लिए आएंगे, क्योंकि इस बार हमें रेगुलाइजेशन के बिना कुछ भी मंजूर नहीं है। सरकार की तरफ से इन दिनों में हमारे साथ लगभग 10 बार मीटिंग की गई, चाहे वो डीसी हो, चाहे एडीसी हो, या हमारे मेयर जम्मू हो, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन और झूठे वादे किए जा रहे हैं, जैसे 28 साल से लगातार करते आ रहे हैं, हमें समय दे दो, आपका प्रोसेस चल रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं शक पैदा होता है कि ये कहीं एक राजनीतिक मुद्दा बना के इस चीज को इलेक्शन का वेट किए जा रहा है। बोलना चाहूंगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे डेली वेजर जो है वो अब जो है रिटायर भी हो चुके हैं, हम देख रहे हैं कि जब रिटायर इंसान होता है कहीं डिपार्टमेंट में, किसी डिपार्टमेंट में काम करता है तो बड़ी खुशी से वो घर जाता है अपने, मगर हम देख रहे हैं कि पीएचई जिस तरह से हमने परसों भी देखा, एक शख्स जब रिटायर हुआ उसके बाद वो निराश होकर घर गया, तो क्या बताना चाहिए सरकार को, क्या करना चाहिए, किस तरह का कदम उनको उठाना चाहिए, अगर पॉलिसी पहले फ्रेम की गई है अब क्यों नहीं पॉलिसी फ्रेम की जा रही है? देखिए ये कहीं ना कहीं मैंने जैसा बात कर रहा था कि कहीं लग रहा है कि इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। पीडीपी और बीजेपी की सरकार जब सत्ता में आई तो 2017 में एक लूला लंगड़ा एसआरओ एक बनाया गया था, 520 एसआरओ 520, जब तक सरकार सत्ता में रही वो एसआरओ चलता रहा और उसके ऊपर काम भी हुआ, कुछ डिपार्टमेंट्स के अंदर उसमें लोग रेगुलराइज हुए, जैसे पीडब्ल्यूडी के अंदर कुछ लोग हुए, एग्रीकल्चर में हुए, फ्लोरिकल्चर में हुए, हाउसिंग डिपार्टमेंट में हुए, तो 4-5 डिपार्टमेंट के अंदर उस एसआरओ को इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन पीएचई को छोड़ दिया गया। और जैसे ही सरकार टूट गई जम्मू कश्मीर के अंदर तो वो एसआरओ भी ब्लॉक कर दिया गया, जिससे शक होता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी ने 3-4 इलेक्शन
इलेक्शन जो हैं इसी मुद्दे पे लड़े हैं, जैसे 2014 का इलेक्शन हो, 2019 का इलेक्शन हो या DDC का इलेक्शन हो, तो मैनिफेस्टो में रखे डेली वेजर को गुमराह करके वोट लिया। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये इनका यही प्लान होगा कि इस बार भी इलेक्शन में इस मुद्दे को रख के तो लोगों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ करके तो उनको दोबारा वोट लेने का लालच है। जैसे आपने जिक्र किया हमारे जो रिटायर होकर साथी जा रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 30 साल PHE डिपार्टमेंट में सर्विस करने के बाद जब उसको रिटायर किया जा रहा है तो उसको खाली हाथ घर भेजा जा रहा है, जो उसकी पेंडिंग वेजेस जो लगभग 4 लाख के करीब करीब बनती है वो भी उसको नहीं दी जा रही है। तो इसका कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक रोष पैदा हो रहा है, तो उसका ये नतीजा है कि आज लोग जो है काम शोर स्ट्राइक में हैं, और इसके लिए सीधा सीधा LG प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि LG साहब ने भी 11 नवंबर 2020 को वादा किया था कि DDC इलेक्शन खत्म होने दो, उसके बाद रेगुलराइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जी एडमिनिस्ट्रेशन को टाइम वगैरह देंगे, आप आखिरी मैसेज उनको क्या देना चाहेंगे? देखिए हम LG साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो वादा आपने 11 नवंबर 2020 को हमारे साथ राजभवन के अंदर बैठ के किया था, आप उसी वादे को पूरा करें। आप जिन लोगों को जेन्युइन मानते हैं, जिन लोगों को सरकार मानती है कि ये लोग जेन्युइन हैं, जैसे जो फाइनेंस ने अप्रूवल दिया हुआ है, पिछली जब 2014 में कैबिनेट सब कमेटी ने अप्रूवल दी है जिसमें 60,909 लोग थे ऑल डिपार्टमेंट के अंदर, उसमें से कुछ लोग रिटायर हो गए, कुछ बेचारे एक्सपायर हो गए, और उसमें से 12,000 PDD का परमानेंट करने का ऑर्डर भी अप्रूवल भी मिल गया है, तो लगभग आज 42,000 से 43,000 के बीच में जो लोग बचते हैं उनमें से हमने पहले भी कहा है, हम नहीं कहते कि आप वन डू में करो, जितना सरकार की कर सकती है उतना करें, शुरुआत होनी चाहिए रेगुलराइजेशन की शुरुआत हो, क्योंकि जो रिटायरमेंट की लाइन के ऊपर खड़ा है कम से कम वो खाली हाथ घर ना जाए, वो कम से कम 30 साल सर्विस देने के बाद कम से कम अपने बच्चों के लिए इतना तो ले जाए कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन दे सके और अच्छा नागरिक बना सके, क्योंकि अगर जो आदमी अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पाएगा तो नेचुरली बात है वो बच्चे क्रिमिनल ही बनेंगे या नशेड़ी बनेंगे, और फिर हम ये कहते हैं कि यूथ हमारे देश का भविष्य है, तो उस देश का भविष्य क्या होगा जहां बच्चे ही अनएजुकेटेड होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर देखा आपने PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर जो जम्मू से आए हैं और डोडा के अंदर जिस तरह से लगभग 22 दिन से हम देख रहे हैं कि जम्मू और डोडा के अंदर लगातार जो है अपनी डिमांड्स को लेकर सड़कों पर हैं, और जिस तरह से ये बता रहे हैं कि जब तक हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम इसी तरह से यही तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। और ये भी बताया कि LG एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह से हमारे साथ वादा किया था उस वादे को जल्द से जल्द निभाया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़, वसीम कद्दू, डोडा। सुरक्षा बलों ने आज सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे कई अलग अलग इलाकों में एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया, और इस सर्च ऑपरेशन में पुलिस, SOG, BSF और CRPF की टीमें शामिल रही, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे कई अलग अलग इलाकों को खंगाला, सैनिटाइज किया, और उसी के साथ साथ आपको बताते चले कि सर्च ऑपरेशन लॉन्च करने का एक ही मकसद है कि कहीं कोई संदिग्ध मूवमेंट ना हुई हो बॉर्डर के साथ साथ या कोई संदिग्ध वस्तु ना हो, इसी को लेकर तमाम इलाके जो वो खंगाले गए हैं, जिसमें सदवाल इलाके की बात करें, सतरैया इलाके बात करें या फिर लालेचक इलाके की बात करें, जो ये इलाके अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ सटे हैं, तो इन्हीं इलाकों में ये सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, और उसी के साथ साथ लोगों को भी अवेयर किया गया है, वो लोग जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहते हैं, कि अगर आपको कहीं भी संदिग्ध मूवमेंट कोई दिखती है, उसी के साथ साथ अगर कोई ड्रोन एक्टिविटी स्पॉट होती है या कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो आप लोग फौरन सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ संपर्क करें ताकि उसे वक्त पर जो वो नियंत्रण किया जाए पूरी सिचुएशन को, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान की बात करें या फिर पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड की बात करें जो इस समय पूरी तरह से वो भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में है, यानी घुसपैठ करने की फिराक में है, और ये भी हमें पता चला था पिछले दिनों में कि लॉन्च पैड उस पार जो है वहां पर कई आतंकवादी जो वो सक्रिय हैं और वो भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की पूरी फिराक में बैठे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर BSF की बात करें तो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और परिंदा भी परना मार सके इस तरह की सिक्योरिटी व्यवस्था जो बॉर्डर पर की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि तमाम अलग अलग इलाके जो जिला सांबा के अंतरराष्ट्रीय सीमा के हैं वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। तमाम जो इलाके जहां पर सरकंडा काफी ज्यादा होता है उसको भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि सरकंडे की आड़ में कहने के आतंकवादी छिपे हो सकते हैं, या जिस तरह से आपने पिछले दिनों में देखा कि ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान हथियारों की खेप जो वो भारतीय टेरिटरी में भेजता है और वो खेप जो उनके हैंडलर तक, उनके OGW तक पहुंचती है, तो इस तरह की गतिविधियां जो पाकिस्तान हमेशा करता रहता है भारत में माहौल को खराब करने के लिए, उसी को लेकर यह सर्च ऑपरेशन एक बार फिर से लॉन्च किया गया है। और आपको बता दें कि जिस तरह से सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया तो तमाम अलग अलग इलाके जो वो सैनिटाइज किए गए, खंगाले गए और पूरी तरह से लोगों को भी अवेयर किया गया है। लेकिन
सुरक्षा व्यवस्था जिस तरह से चाक चौबंद है वो इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जो श्री अमरनाथ जी की यात्रा भी लगातार चल रही है, यात्रा को ध्यान में रखते हुए और तमाम धार्मिक स्थलों पर जिस तरह से इस समय काफी श्रद्धा का जनसैलाब देखने को मिल रहा है, कई अलग अलग धार्मिक स्थलों पर मेले भी आयोजित हो रहे हैं तो भीड़ भाड़ काफी ज्यादा रहती है और इसी भीड़ भाड़ में कहीं ना कहीं जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स है वो इस फिराक में रहते हैं कि माहौल को खराब किया जाए, उसी को लेकर तमाम ये जो सर्च ऑपरेशन है लगातार चलाए जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ही घुसपैठ जो कोशिश होती है इसी को ध्यान में रखते हुए टनल ना हो जाए जो वो सामने आ जाए उसको ध्यान में रखते हुए और गतिविधियां जो संदिग्ध होती रहती हैं ड्रोन की गतिविधि हो या कोई व्यक्ति संदिग्ध जो पकड़ा जाए ये तमाम चीजें रहती हैं, कोई संदिग्ध वस्तु ना हो इसी को लेकर ये सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, इलाके तमाम सैनिटाइज किए गए हैं और ये सर्च ऑपरेशन हमें आगे भी देखने को मिल सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा और पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज हमारे तत्पर हैं और सक्रिय हैं, हर एक गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं वो दुश्मन की, अगर दुश्मन को इस तरह की हरकत करने की कोशिश करेगा तो उस पूरी हरकत को किस तरह से विफल करना है, पाकिस्तान हो या पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट हो किस तरह से जवाब उनको देना है ये हमारे सुरक्षा वाले अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से जानते हैं और सिक्योरिटी ग्रिड इस समय काफी मजबूत है। लखनपुर प्रवेश द्वार जम्मू कश्मीर यूटी से लेकर अगर कश्मीर घाटी तक की बात करें तो तमाम नाका पॉइंट्स भी अलर्ट मोड पर हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा का हर एक इलाका जो है वो लगातार पिछले कई दिनों से खंगाला जा रहा है कि कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि ना हो, कोई संदिग्ध वस्तु ना हो, ड्रोन एक्टिविटी ना हो या फिर कोई संदिग्ध व्यक्ति ना हो, इस तरह की लगातार जो एक्सरसाइजेज हैं ये लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से की जा रही है और लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है। फिलहाल के लिए ऋषि कुजूरिया, जी 24/7 न्यूज़। मैं टूरिस्ट के साथ काम करता हूं, मैं रहने वाला हूं टंगमर्ग का। सुबह सवेरे यहां बहुत बारिश हो गया आज, तो बहुत जगहों पर टूरिस्ट है बहुत खुश हो गया क्योंकि यहां का गर्मी बहुत बढ़ रहा था। कश्मीर में इतना गर्मी नहीं, इतना गर्मी दिल्ली में होता था, अब सुबह सवेरे यहां बारिश हो गया तो बहुत जगहों पर टूरिस्ट बहुत खुश हो गया, इंजॉय कर रहा है, इससे टूरिस्ट बढ़ जाएगा कश्मीर में। वहाँ से टूरिस्ट आता है इधर इंजॉय करने के लिए और यहाँ का हवा बहुत अच्छा है, टूरिस्ट आ जाए यहाँ कश्मीर में, कश्मीर में बहुत अच्छा हवा है। वादी कश्मीर में लगातार कई दिनों से गर्मी से राहत लेने के लिए आज सुबह सवेरे से ही महकमे मौसमियात की एन पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे से ही बारिशों का सिलसिला जारी है। अगर हम इस वक्त बात करेंगे शायद मुकाम गुलमर्ग, टंगमर्ग, द्रंग या संसफाल इलाके, यहाँ पर अच्छी खासी तादाद आम सयाहों के साथ साथ जो बाहर से यहाँ पर पर्यटक आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो इस वेदर का और इस क्लाइमेट का यहाँ पर आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। जब हमारे यहाँ पर आम लोगों से बात हुई तो उन्होंने खुशी का इजहार किया और जो सयाहत से जुड़े लोग हैं कहीं ना कहीं उनके चेहरे जो है दिन ब दिन खिलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से इस साल देखा गया कि वादी कश्मीर के साथ साथ जो भी यहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है अच्छी खासी तादाद यहाँ पर सयाहों की देखने को मिली, तो जिस तरह से जो सयाहत पर निर्भर लोग हैं कहीं ना कहीं उनके रोजगार जो है अच्छी तरीके से इस साल जो है देखने को मिला। खत्म शायद मुकाम गुलमर्ग के गेटवे पर मौजूद है जिसे हम टंगमर्ग कहते हैं, यहाँ पर इस वक्त भी हल्की बारिश जो है जारी है। तो इस अगर हम बाहर के स्टेट्स की बात करें इस वक्त जो अच्छी खासी गर्मी वहाँ पर पड़ रही है तो उस गर्मी से नजात लेने के लिए यहाँ पर दूर दूर से पर्यटक आ रहे हैं और वो इन वादियों का यहाँ पर अच्छे खासे से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि वादी कश्मीर में मौसम ऐसा ही खुशगवार बना रहे ताकि यहाँ आम लोगों के साथ साथ जो सयाहत पर निर्भर लोग हैं कहीं ना कहीं उनके रोजगार में इजाफा देखने को मिले।